नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनके अलावा कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है और प्रभा अत्रे भी पद्म विभूषण से सम्मानित हुई हैं। इस बार के पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में कुछ सूत्र और संकेत आसानी से देखे जा सकते हैं। स्वदेशी वैक्सीन क्रांति को सम्मान दिया गया है। चुनौती राज्यों के खाते में 26 पद्म पुरस्कार आए हैं। उनमें उत्तर प्रदेश के खाते में सबसे ज्यादा 13 पद्म पुरस्कार आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कल्याण सिंह को पद्म विभूषण मिलना, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। चाहे वो राम मंदिर हो या फिर पिछड़ी जाति के नेतृत्व को लेकर जो जंग हम देख रहे हैं, इन सब में कल्याण सिंह का प्रतीकात्मक तौर से बहुत महत्व है। जबकि गोवा के खाते में 2 पद्म पुरस्कार आए हैं। एक और खास बात ये कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पार्क को सलाम करते हुए सुंदर पिचाई और सत्य नडेला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस लिस्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी देंगे और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों के बारे में भी आपको बताएंगे। गणतंत्र दिवस राष्ट्र का उत्सव, देश प्रेम, आत्मसम्मान और आत्मबल का पर्व है। हर देशवासी पूरे मन, पूरी जानकारी और जागरूकता के साथ ये पर्व मना सके, इसके लिए हमने पूरा प्रबंध किया है। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपको परेड का प्रीव्यू दिखाएंगे। ये कल का टीजर है। इसमें कल होने वाली परेड के मुख्य आकर्षण के बारे में हम आपको आज ही खबरदार कर देंगे। हमारी रिपोर्ट में राजपथ से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक हो रही जबरदस्त तैयारी की डिटेल्स आपको मिलेंगी। ये ऑल इंडिया रिपोर्ट मिस मत कीजिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में टिकट बंटवारे की जाति वाली सोशल इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि उम्मीदवारों की लिस्ट में अपराधियों की चमकार क्यों है। पैसा, बाहुबल, या पैसे और बाहुबल के मेल से किस तरह वोट खींचने का खेल सफल होता है। चुनावी जीत की गारंटी देने वाला अजर मगर फॉर्मूला क्या है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर बीजेपी हमलावर तो है, लेकिन बीजेपी हो या फिर कोई और पार्टी, वो दागियों और बाहुबलियों से मुक्त नहीं है। साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बातें सिर्फ भाषणों में जीवित रहती हैं। और आज आपको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वायरल अपशब्दों के बारे में भी बताएंगे। एक पत्रकार ने व्हाइट हाउस में जब महंगाई पर सवाल पूछा तो बाइडेन खींच गए। उन्होंने पत्रकार को गाली दे दी। पूरी दुनिया में बाइडेन के इस अपमानजनक रवैये की आलोचना हो रही है। उस एक पल में जब बाइडेन ने अपना आपा खोया तब उनका धैर्य कम था और माइक का ऑडियो लेवल ज्यादा था, इसलिए सच सबके सामने आ गया और उन्होंने दबी जुबान में जो कुछ कहा वो व्हाइट हाउस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में अब दर्ज हो गया है। इस खबर की पूरी डिटेल्स हम आपको देंगे। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया। इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जिनमें 3 शख्सियतों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। पिछले वर्ष दिसंबर में विमान हादसे में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनके अलावा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें लोक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। आपको बता दें, चाहे वो राम मंदिर का पूरा आंदोलन रहा हो, बतौर मुख्यमंत्री वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पिछड़ी जाति के नेताओं में कल्याण सिंह के साथ एक नए सोशल इंजीनियरिंग को गढ़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने की थी। इन सभी के मद्देनजर जो मौजूदा चुनाव के हाव भाव है, उन सब में कल्याण सिंह को पद्म विभूषण मिलना बहुत मायने रखता है। इसके अलावा कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए प्रभा अत्रे और साहित्य और शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य के लिए राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई। राधेश्याम खेमका को यह सम्मान मरणोपरांत मिला है। इसके अलावा 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पाने वालों में कांग्रेस नेता, दिलचस्प है ना, गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल है। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देश में कोरोना वैक्सीन क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, देश में जो स्वदेशी टीकाकरण के लिए जो मुख्य किरदार थे, ये स्वदेशी टीका विकसित करने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा एला और उनकी पत्नी सुचित्रा एला को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। खास बात यह है कि दोनों पुरस्कार
दोनों को एक साथ मिला है, यानी इन दोनों को दिए गए सम्मान को एक ही गिना जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। भारत ने जिस तरह इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया है, इसके अलावा 107 लोगों को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की 13 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि उत्तराखंड में 4, पंजाब में 4, मणिपुर में 3, गोवा की 2 शख्सियतों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल वीरता पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार भी परंपरा के तहत 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की रक्षा के प्रति समर्पित योद्धाओं को उनकी वीरता और उनके काम के लिए सर्वोच्च सेवा के लिए पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है। इस बार कुल 384 वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इनमें 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल, 122 विशिष्ट सेवा मेडल, 40 सेना मेडल, 8 नौसेना मेडल और 14 वायुसेना मेडल शामिल है। इन नामों में से एक नाम टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का भी नाम है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। ये बड़ी बात है, जैवलिन थ्रो के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स की 4th बटालियन में सूबेदार हैं। उन्होंने अपने प्रदर्शन से ओलंपिक्स में मेडल जीता और अब उन्हें राष्ट्र का मेडल मिला है। इस पुरस्कार की बात ही अलग है। वैसे खबर तो यह भी है कि इस बार 26 जनवरी की परेड में हरियाणा की झांकी को काफी खास बनाया गया है। इस झांकी में नीरज चोपड़ा की आकृति भी दिखाई देगी। राज्य के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के निदेशालय ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा 51 लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाई। इनमें 6 सर्वोच्चतम जो जीवन रक्षा पदक है, 16 उत्तम है उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 जीवन रक्षा पदक शामिल किए गए हैं। इन 51 विजेताओं में से 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ये दूसरों की जान बचाने और उनके लिए जीवन का बलिदान देने के जज्बे का सम्मान है। मानवता की दृष्टि से इन पुरस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसे पुरस्कार समाज को ऊंचे मानवीय मूल्यों की बूस्टर डोज देते हैं। नीरज चोपड़ा, हरियाणा की झांकी, नीरज चोपड़ा की आकृति भी इसमें दिखाई देगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड से पहले राजपथ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से शहीद बाबू राम की पत्नी रीता रानी ये सम्मान ग्रहण करेंगी। अशोक चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, जो युद्ध काल में दिए जाने वाले परमवीर चक्र के बराबर है। वीर बाबूराम को यह सम्मान मरणोपरांत मिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस में एएसआई रहे बाबूराम श्रीनगर में एक मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मारकर शहीद हुए थे। शहीद बाबूराम का जन्म पुंछ जिले के गांव धाड़ा में 15 मई 1972 को हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो 1999 में जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल नियुक्त किए गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में रहते हुए शहीद बाबूराम ने 14 एनकाउंटर्स में 28 आतंकवादियों को मार गिराया था। पूरा देश कल की तैयारी में है। कल गर्व के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। देश की सैन्य शक्ति और एकता अखंडता की शक्ति के प्रतीक इस दिन की पूर्व संध्या पर हम आपको राजपथ पर निकलने वाली परेड का एक प्रीव्यू दिखाएंगे, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ चीजें पहली बार दिखाई देंगी और कुछ परंपराओं में बदलाव दिखाई देंगे। इस बार परेड में कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं होंगे। सरकार ने 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा जरूर था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। कोरोना की इस वजह से इस बार दर्शकों की संख्या भी काफी सीमित कर दी गई है। सिर्फ 5,000 से 8,000 लोग दर्शकों के तौर पर वहां पर बैठेंगे। उन्हें परमिशन सिर्फ 5,000 से 8,000 लोगों को ही मिली है। इस बार दी गई है क्योंकि पिछले साल 25,000 लोग परेड देख रहे थे। इस बार परेड रूट को भी छोटा किया गया है। पहले परेड रूट 8.3 किलोमीटर होता था, जो अब घटकर 3.3 किलोमीटर ही रह गया है। हालांकि 5 किलोमीटर का रूट कम होने के बावजूद परेड की झांकियां लाल किले पर जाकर ही खत्म होंगी। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत के समय में भी बदलाव किया जाएगा।
वो परेड हर साल जो 10 बजे शुरू होती थी आप 10 बजे देखते थे, वो इस बार 10:30 बजे शुरू होगी। ऐसा सर्दी और कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के चलते फ्लाई पास देखने में दिक्कत आने की वजह से किया गया है। अब राजपथ पर कल क्या होने वाला है इसका एक प्रीव्यू देखिए। देश की आन बान शान की झांकी देखेगी दुनिया। राजपथ पर शौर्य का जय घोष होगा। जमीन पर जांबाज कदम ताल करेंगे और आसमान में स्वदेशी तेज की गर्जना होगी। 75 सालों का अगर जश्न है तो उसकी झलक आपको हर तरफ दिखेगी। आप इसके साथ साथ जितनी भी ये तस्वीरें उकेरी गई हैं, ये जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं, वो सारी जो तस्वीरें हैं वो आजादी के 75 सालों को याद भी करती हैं और उसके साथ ही राजपथ को जो आप एक नए स्वरूप में देख रहे हैं और उसके पीछे जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण चल रहा है उन सारी चीजों को भी एक तरह से ढकते हुए एक खूबसूरत तस्वीर दुनिया के सामने रखने का ये प्रयास है। 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड, अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे खास होगा हिंदुस्तान के सुनहरे अतीत का दर्शन। राजपथ पर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में प्रयोग किए गए हथियारों और उपकरणों को दिखाया जाएगा। इस साल 26 जनवरी को पुराने बख्तरबंद वाहन और तोपखाने पिछले दशकों में भारतीय सेना के लड़े गए युद्धों के प्रतीक होंगे। पुराने उपकरणों, हथियारों और तकनीक की जगह लेने वाले नए उपकरणों, हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस बार की परेड गणतंत्र के जश्न और आजादी के अमृत महोत्सव का अनूठा संगम होगा। जो अहम चीजें हैं वो ये कि किस तरीके से हमारी सेनाओं में परिवर्तन आया है, किस तरीके से 1950 के दशक में वो वर्दी पहना करते थे और आज के दौर में जो नई डिजिटल वर्दी है वो किस तरह की दिखती है, ये सारी चीजें आपको गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगी। इसके साथ ही आधुनिकता की ओर किस तरीके से हमारे जो हथियार हैं वो बढ़े हैं, हमारे युद्ध प्रणालियां कैसे बदली हैं, वो सारी चीजें आपको इसी परेड के दौरान नजर आ जाएंगी। अलग अलग प्रदेश जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी जो आजादी की लड़ाई थी, जो गुमनाम हीरोज थे हमारे, उन सब का जिक्र यहां पर हो जाएगा। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट अद्भुत होगा। इस साल पूरे हो रहे आजादी के 75 वर्षों का जश्न मनाने के लिए 75 विमान उड़ान भरेंगे तो वो अब तक का सबसे बड़ा और भव्य फ्लाई पास्ट होगा। राफेल से लेकर जैगुआर, सुखोई 30, अलग अलग तरह के 15 फ्लाई पास्ट फॉर्मेशंस बनाएंगे। हर देशभक्त के दिल में गर्व की भावना आसमान की बुलंदियों पर होगी। देश इस बार आजादी का अमृतसर मना रहा है और 26 जनवरी के दिन भारतीय सेना एक बार फिर से परेड में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार का होने वाला फ्लाई पास्ट पिछले सालों से बेहद भव्य और बेहतरीन होने वाला है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के विमानों सहित 75 लड़ाकू विमानों के साथ गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान राजपथ पर होने वाला फ्लाई पास्ट अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही
5 राफेल विनाश की आकृति में राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे और आजादी का अमृतसर मनाने के लिए 17 जागुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में उड़ान भरेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में देश के सैन्य शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ सेना में महिला शक्ति का भी प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस परेड में देश की बेटियों का जोश भी हाई होगा, जो कदम से कदम मिलाने के साथ साथ कई टुकड़ियों की अगुवाई भी करेंगी। नौसेना की टुकड़ी की अगुवाई इस बार महिला लेफ्टिनेंट कमांडर अंशिका शर्मा करेंगी। सीआईएसएफ की टुकड़ी में आगे आपको 2 महिला अधिकारी नजर आएंगी, तो एसएसपी की टुकड़ी की भी अगुवाई करती हुई 2 महिला असिस्टेंट कमांडेंट्स होंगी। 2019 में पहली बार किसी महिला ऑफिसर ने नौसेना की टुकड़ी की राजपथ परेड में अगुवाई की थी। इस बार राजपथ एक बार फिर नारी शक्ति के प्रदर्शन का गवाह बनने को तैयार है। दिस इज माई सेकेंड टाइम इन दी रिपब्लिक डे परेड। आई हैव मार्च्ड बिफोर एज एन एनसीसी कैडेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम डायरेक्टरेट इन 2013 एंड टू बी एबल टू मार्च फॉर माई सर्विस रिप्रेजेंटिंग इंडियन कोस्ट गार्ड एट द राजपथ ऑन 26 जनवरी 2022 इट वुड बी really a very great honor and privilege for me, my family. हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेगी, जिसमें सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी होगा और दुनिया को शांति का संदेश भी मिलेगा। आतंकवादी हमलों से निपटने का फुल प्रूफ इंतजाम भी होगा। इस वक्त हम लाल किले के अंदर मौजूद हैं और पिछले 26 जनवरी को लाल किले में जिस तरह की हिंसा हुई थी, तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। इस बार लाल किले को 26 जनवरी के मौके पर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, इनको बकायदा ब्रीफिंग की जा रही है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो यहां पर तैनात किए गए हैं। आईटीबीपी के जवान आप देख पा रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान आप देख पा रहे हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस। इन सभी जवानों की जो जिम्मेदारी होगी वो लाल किले की सुरक्षा की होगी। कैमरा पर्सन पवन कुमार और सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। राजपथ पर हर वर्ष होने वाली गणतंत्र दिवस परेड भारत की आन बान शान से दुनिया का परिचय करवाती है। यह अपने आप में देश की शक्ति का एक ट्रेलर होता है, लेकिन सिर्फ राजपथ पर ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में गणतंत्र का यह उत्सव पूरे जोशों खरोश के साथ मनाया जाता है। हम आपको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों से जुड़ी एक ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, जिसमें देशभक्ति की भावनाएं हैं और देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश है। -18 डिग्री की सर्दी में फौलादी इरादों की गर्मी और देशभक्ति का जोश और जुनून। लद्दाख के परेड ग्राउंड में बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर देश के जवान गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं, जिनके साथ देश के भविष्य भी कदम ताल कर रहे हैं। श्रीनगर है जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन फुल ड्रेस रिहर्सल की ये तस्वीरें देखकर किसी के भी मन में देशभक्ति की लौ जल उठती है। कश्मीर की स्थानीय परंपराओं और संस्कृतियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय कलाकारों ने पूरी शिद्दत से तैयारी की है। पूरे जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कड़ाके की ठंड के बीच हर जगह और हर स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीमाओं से लेकर मैदानी इलाकों तक, गांवों से लेकर शहरों तक
सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि सभी तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी कर दी गई है। श्रीनगर शहर में उस समारोह स्थल यानी श्रीनगर में जो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम है उसके आसपास जो है ड्रोन से भी और दूसरे इलाकों में ड्रोन से निगरानी होगी। जम्मू में डेयर डेविल्स के खतरनाक और हैरत अंगेज करतब हों, या कश्मीर के डोडा में पहाड़ों से नीचे उतरते बादलों के बीच देशभक्ति के ये मनमोहक नजारे, कश्मीर की फिजाओं में देशभक्ति का रंग और खुशबू बिखर चुकी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर समूचे जम्मू कश्मीर को छावनी की तरह बना दिया गया है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर और यहीं पर जम्मू कश्मीर का मुख्य कार्यक्रम होने वाला है गणतंत्र दिवस का। मौलाना आजाद स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तिरंगा लहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमए स्टेडियम का जो प्रवेश द्वार है उसको बंद कर दिया गया है आम जनता के लिए और सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। देश के हर राज्य से फुल ड्रेस रिहर्सल की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। सोचिए गणतंत्र दिवस की तस्वीर कितनी खास होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने जब फुल ड्रेस रिहर्सल निकली तो वहां मौजूद लोग मुग्ध हो गए। T90 भीष्म की धमक, BMP सारथ की ताकत, जवानों के मजबूत कंधों पर टिकी इगला मिसाइल, और फिर पुलिस और सेना के बैंड की धुनों ने सबको मोहित कर दिया। देश तैयार है गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के लिए और देशभक्ति के रंग में सरोबार हो जाने के लिए। वैसे तो देशभक्ति के प्रदर्शन और अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व करने के लिए कोई खास दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन गणतंत्र के उत्सव में ऐसा अद्भुत संगम जोश को हाई कर देता है और दिल में बस यही तराने बजते हैं। ब्यूरो 26 जनवरी की तैयारियों के बाद अब आपको यूपी चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग वाली सियासी तैयारियों के बारे में जरा बताते हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट ट्रेंड कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने इस लिस्ट को जाति और बिरादरी वाले तरह तरह के लेंस का इस्तेमाल करके तैयार किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी में मुस्लिम और यादव वाले लेंस का इस्तेमाल करने की परंपरा थी, लेकिन अब वक्त बदल गया, इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग पर जोर है। हालांकि समाजवादी पार्टी के ये काम करने वाली अकेली पार्टी नहीं है। आज की तारीख में यूपी में जातीय समीकरण को साधे बिना यूपी में चुनाव लड़ना किसी भी पार्टी के लिए असंभव है। अगर यूपी में चुनाव जीतना है तो सोशल इंजीनियरिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर यूपी में सत्ता की कुर्सी पर बैठना है तो ज्यादा से ज्यादा जातियों के लोगों को अपने पक्ष में लाना होगा। इसीलिए यूपी के सभी सियासी दल सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर रहे हैं। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाकर एक अलग वोट बैंक तैयार किया, तो अखिलेश यादव ने अब इसी फॉर्मूले पर अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार की है। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव वाली सियासी गणित पर कायम रहती आई है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट देकर अपने ओबीसी वोट बैंक का दायरा बढ़ाने की कोशिश की है। ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी अभी आपने कौन नीला रंग देखा?
हरा रंग सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची में 159 प्रत्याशी हैं। इस सूची में 64 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इनमें 12 यादव उम्मीदवार हैं, जबकि गैर यादव ओबीसी प्रत्याशियों की संख्या 49 है। जाहिर है कि अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी जातियों पर एक बड़ा दांव चला है। यूपी की ओबीसी आबादी में यादवों के बाद सबसे ज्यादा कुर्मियों की आबादी मानी जाती है, ये तकरीबन 8% है। इसलिए अखिलेश ने भी यादवों के बाद सबसे ज्यादा ओबीसी टिकट कुर्मियों को ही दिए हैं। इनकी संख्या 12 है। इसके अलावा 5 मौर्य, 4 गरड़िया और 1 लोधी समुदाय के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। चुनाव में जीत के वादे और विकास के दावे कितने भी कर लीजिए, लेकिन जात बिरादरी वाली गणित नहीं बैठी तो बाजी हाथ से फिसल सकती है। इसलिए अखिलेश यादव कई बार जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करते रहे हैं। अखिलेश ये दोहराते रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में गैर यादव ओबीसी प्रत्याशियों को जिस तरह से तरजीह दी गई है उसे इसी फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां से भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का वहां ऐतिहासिक जीत होगी। मैं करहल की जनता का धन्यवाद दूंगा और उनके बीच जाऊंगा। जैसा करहल की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रति हमेशा वोट किए हैं और जीत दिलाई है, वहां की जनता तो ये भी कहने को तैयार है कि अगर आप क्षेत्र भी नहीं आए तब भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। जातियों को आबादी के अनुपात में टिकट बांटने की रणनीति बीजेपी ने भी अपनाई है। बीजेपी ने अपने 187 उम्मीदवारों की लिस्ट में 74 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए 38 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ा वर्ग को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार के कई मंत्री और विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस्तीफा देने वालों में ज्यादातर गैर यादव ओबीसी के नेता थे। इस बार ओबीसी वोट बैंक के नेताओं के पार्टी छोड़ने की वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूत करने में जुट गई है। कैराना से लेकर जिन्ना का मुद्दा यूपी चुनाव में फिर से ट्रेंड कर रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में तुष्टिकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है। साफ गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश जी। यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के सबसे चर्चित फार्मूले को 2007 में बीएसपी प्रमुख मायावती और उनके रणनीतिकार सतीश चंद्र मिश्रा ने तैयार किया था, जिसमें वो सफल भी हुए। इसके बाद 2012 में उसी फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी ने अपनाया और सरकार बनाई। फिर उसी पत्ते को 2017 में बीजेपी ने चला और सरकार बनाने में कामयाब रही। इसलिए हर सियासी दल अपनी क्षमता और रणनीति के हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग वाली गणित पर काम कर रहा है। हालांकि हर चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का गणित बदलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग वाली रणनीति के बाद दाग अच्छे हैं वाले सियासी सिद्धांत को भी जरा समझ लेते हैं। राजनीति में ये दागी या आपराधिक छवि वाले नेताओं को जनता पसंद नहीं करती है, लेकिन सियासत की ये मजबूरी है कि सत्ता दिलाने के लिए ये दागी उम्मीदवार
बहुत आवश्यक है। हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने यूपी में हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव से यह निष्कर्ष निकाला है कि एक दागी उम्मीदवार की किसी साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी से जीतने की संभावना, ध्यान से सुनिएगा, जीतने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी तथ्य सामने आया है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की संभावना मामूली संपत्ति वाले उम्मीदवार की तुलना में कम से कम 6 गुना ज्यादा है। यानी यूपी चुनाव में नैतिक बल के सामने धन बल ज्यादा हावी रहता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2007 के चुनाव में हर 5 दागी उम्मीदवारों में से 1 उम्मीदवार ने चुनाव जीता था, जबकि साफ छवि वाले 10 उम्मीदवारों में से सिर्फ 1 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाया। 2012 में दागी उम्मीदवारों के जीतने की संभावना साफ छवि वाले उम्मीदवारों की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा थी, जबकि 2017 में ये घटकर 2.5 गुना रह गई। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि जिस उम्मीदवार के पास ज्यादा संपत्ति होगी उसके जीतने की संभावना भी उतनी ज्यादा होगी। 2007 के चुनावों में 1 करोड़ रुपए से कम संपत्ति वाले 10% उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था, जबकि 1 से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले 29% उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था। इसके अलावा 27% चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी घोषित संपत्ति 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। 2017 के चुनाव में यह आंकड़ा कुछ बदल गया था, 1 करोड़ रुपए से कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों को उनका जीतने का जो प्रतिशत था वो घटकर लगभग 3% हो गया, जबकि 1 से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले 20% उम्मीदवार चुनाव जीत गए। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति वाले 28% उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। यानी हमारे नेता साफ और बेदाग छवि वाली सरकार का दावा तो करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का नंबर आता है तो दागी और करोड़पति उम्मीदवार को टिकट देना पसंद करते हैं। ये वो सच है जो आपको स्वीकार करना ही होगा। गणतंत्र दिवस के पहले नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय को भी सम्मानित किया गया है, आज पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ, इस पर वो क्या कह रहे हैं सुनिए। सभी को नमस्कार, और काफी खुशी है, PVSM और पद्म श्री के लिए पता लगा, और आप सभी की विशेष और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अभी सुबह की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आगे भी और कोशिश करेंगे अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करते रहें। और आप सभी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जो जिसको भी अवार्ड मिला है, और आप सभी अपना ध्यान रखें, और वहाँ पे अपने देश में अभी रात का टाइम है तो सभी को गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, नमस्ते। इसी के साथ खबरदार बेहतर ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।